तो विवादों के बीच बग्गा छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भी बग्गा के खिलाफ केस दर्ज हो गया है और इन सबके बीच बग्गा अपने घर से गायब हो गए हैं। न्यायालय पे पूरा भरोसा है, जिस तरीके से न्यायालय ने पहले भी इस देश के लोकतंत्र को बचाया है। केजरीवाल अगर कानून का मिसयूज करना चाहते हैं, जैसे उनको दो दिन में पिछले 20 तमाचे मिले हैं, एक और तमाचा 10 तारीख को मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा। एक दिन बाद तजिंदर पाल सिंह बग्गा के केस में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई है और उससे पहले बग्गा न्याय मिलने का भरोसा जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी गुंडे लफंगों और दंगाइयों की पार्टी है और उन्होंने गुंडों को संरक्षण करने के लिए, बचाने के लिए अपना भरसक प्रयास किया। लेकिन बग्गा अपने घर पर भी नहीं है और उन पर घर से भागे होने के आरोप लग रहे हैं। बग्गा का कहना है कि वो अपने वकीलों के साथ है, भागे नहीं है। बग्गा अपने घर पर नहीं है क्योंकि बग्गा पर मुसीबत सिर्फ पंजाब से नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। एक व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के परिसर में घुस के एक वरिष्ठ अधिवक्ता को पीटने का आरोपी है, ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी लग गई है। हाई कोर्ट रात में खुलवा रही है। एक गुंडे को बचाने के लिए किसी भी हद तक भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। ABP News आपको रखे आगे।